DYFI का 11वां सर्व भारतीय सम्मेलन के उपलक्ष्य में आज इस्लामपुर शहर के सड़कों पर इस वक्त जो है वर्णाढ्य सर्व शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। आप सभी को बता दे इस वक्त मौजूद है हम लोग इस्लामपुर शहर के जातीय सड़क पर, मैं राजस्थानी और मेरे साथ मेरे सहप्रतिनिधि सोमी क्लस्कर। इस वक्त सीधा प्रसारण आप लोग देख पा रहे हैं न्यूज टुडे के पर्दे पर DYFI के का जो 11वां सर्व भारतीय सम्मेलन है, उसी सम्मेलन को नजर में रखते हुए उसी सम्मेलन के समर्थन में आज इस्लामपुर शहर के रास्तों पर जो है इस वक्त DYFI की ओर से एक वर्णाढ्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। सीधा प्रसारण इस वक्त देख पा रहे हैं आप लोग न्यूज टुडे के पर्दे पर। अगले 12 से 15 में यानी 3 दिन तक जो है यह सम्मेलन पश्चिम बंगाल के स्वर्ण लेक इलाके में होने वाली है और इसी के समर्थन में DYFI की ओर से पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्रांतों में जो है इस सम्मेलन को सफल करने के लिए जो है विभिन्न तरह का कर्मसूची लिया गया है। और इस वक्त देख पा रहे हैं कि आज इस्लामपुर शहर में वर्णाढ्य शोभा यात्रा निकाला गया है। अगले 12 से 15 मई तक जो ऑल इंडिया जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है DYFI का 11th कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उसी को सफल करने के समर्थन में जो है इस वक्त जो है इस्लामपुर शहर के सड़क पर जो है शोभा यात्रा निकाला गया है। साथ ही साथ बता दे आज के इस शोभा यात्रा में आप नवीन से लेकर प्रवीण यानी कि पहले जो DYFI संगठन से जुड़े हुए थे, फिलहाल जो है विभिन्न संगठन से जुड़े हुए हैं तथा वर्तमान में जो DYFI के संगठन से जुड़े हुए हैं, सभी मिलकर आज के इस वर्णाढ्य शोभा यात्रा जो है इसको समर्थन कर रहे हैं और इसमें जो है पैर से पैर यानी कि कदम से कदम मिला रहे हैं। आप सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं न्यूज टुडे के पर्दे पर। यहाँ पर पहले जो यहाँ पर देख पा रहे हैं DYFI 11th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 जो कि 12 से 15 में सोन लेक वेस्ट बंगाल में होने वाला है और इसी कॉन्फ्रेंस को सफल करने के लिए इस्लामपुर के शहर पर सड़क पर जो है इस वक्त DYFI की ओर से प्रवीण तथा नवीन सभी सदस्य मिलकर जो है इस वक्त जो है मिशिल का आयोजन किए हैं, वर्णाढ्य शोभा यात्रा का आयोजन किए हैं। किस तरह से यह जो 11th कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो कि इस साल पश्चिम बंगाल में होने वाली है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है, यह किस तरह से इसको सफल बनाया जाए इसी उद्देश्य से आज इस्लामपुर शहर के सड़कों पर जो है इस वक्त वर्णाढ्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। देख पा सकते हैं एक अभिनव तरह का यह शोभा यात्रा, हर तरह का रंग इसमें लाया गया है। सामने देख पा रहे हैं जो महिलाएं सदस्य हैं DYFI 11वें सम्मेलन देख पा रहे हैं, इस तरह का हाथ में जो है प्लेकार्ड लेकर या फिर अभिनव तरह का जो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए महिलाएं, ठीक इससे पीछे देख पा रहे हैं ढाक ढोल में लेकर जो है आदिवासी नृत्य को आप लोग देख पाएंगे धीरे धीरे यहाँ पर। आप सभी को बता दे 11वां जो है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो कि इस साल पश्चिम बंगाल के सोन लेक में होने वाली है अगले 12 से 15 मई तक, और इसी कॉन्फ्रेंस को सफल करने के लिए, इसी सम्मेलन को सफल करने के लिए आज इस्लामपुर शहर के सड़कों पर जो है इस वक्त DYFI की ओर से प्रवीण तथा नवीन सभी सदस्य मिलकर इस्लामपुर शहर के सड़क पर जो है एक वर्णाढ्य शोभा यात्रा का आयोजन किए हैं, जिसमें महिलाओं से लेकर महिलाएं उपस्थित हैं, उपस्थित है प्रवीण जो सदस्य हैं DYFI के, साथ ही साथ वर्तमान जो सदस्य हैं DYFI के आदिवासी नृत्य का भी यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और सदस्य जो है यहाँ पर एक कलर के देख पा रहे हैं रेड वॉलेंटियर्स जो कि रहे हैं। आप लोगों ने देखा था कोरोना महामारी के समय रेड वॉलेंटियर्स की एक आम भूमिका थी, वो भी जो है टी शर्ट पहनकर इस वक्त जो है स्लोगन लगाते हुए कि अगले 12 से 15 मई तक जो शोभा यात्रा होने वाली है, अगले 12 से 15 मई तक जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 11th कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसको सफल करने के लिए DYFI की ओर से वर्णाढ्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है।
आप सभी को बता दे इस वक्त मौजूद हैं हम लोग इस्लामपुर शहर के न्यू टाउन रोड पर और इस वक्त DYFI की ओर से एक बर्नाड शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। अगले 12 से 15 मई तक यह जो है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है DYFI की, उसी के समर सफल करने के लिए जो है इस वक्त जो है इस्लामपुर शहर के सड़क पर जो है इस वक्त बर्नाड शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। 11वां जो है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस इस साल पश्चिम बंगाल के सोरले इलाके में होने वाले हैं, जहां पर 12, 13 और 14 और 15 चार दिन तक जो है यह कॉन्फ्रेंस होगा। और इस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से सफल किया जाए इसी उद्देश्य से देख पा रहे प्रवीण तथा नवीन सदस्य सभी जो है इस वक्त इस्लामपुर शहर के जो सड़क है सड़क पर जो है इस वक्त प्रदर्शन करते हुए इस वक्त जो है शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तथा देख पा रहे हैं नवीन तथा प्रवीण सभी सदस्य जो है इस वक्त स्लोगन लगा रहे हैं। भारत सर्व सकल शिक्षा शिक्षा से पश्चिम बंग सह गोटा देश बेकारत्व दूरीकरण दावी DYFI केंद्र सह केंद्र सरकार सह राज्य सरकार खाली शून्य पद अविलम्बे नियोग दावी DYFI लड़ते भारत गणतंत्र बचानों DYFI लड़ते धर्म निरपेक्ष भारत गढ़े तुलते जुव समाज लड़ते लड़ते दावी आज के मिशिले दले दले झोंक दें आगामी 12 থেকে 15 মে DYFI সর্বভারতীয় সম্মেলন সফল করুন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের 11তম সর্বভারতীয় সম্মেলন সফল করুন সেই সম্মেলন সফল করার কেন্দ্র করে আজকের এই বর্ণাঢ্য মিছিলে দলে দলে যোগ দিন সকলের শিক্ষা সকলের কাজের দাবিতে DYFI লড়ছে ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত গড়ে তুলতে DYFI লড়ছে লড়বে জাত পাত বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে যুব সমাজ DYFI লড়ছে লড়বে জাত পাত হিন্দু মুসলমান মন্দির মসজিদের রাজনীতির বিরুদ্ধে DYFI পতাকা তোলে DYFI की 11th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो कि अगले 12 से 15 मई तक होने वाली है और इसी कॉन्फ्रेंस को सफल करने के लिए पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्रांतों में साथ ही साथ भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में DYFI की ओर से जो है विभिन्न तरह के कार्यसूची लिया जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस को सफल करने के लिए। और आज इस्लामपुर शहर में भी अगले जो 12 से 15 मई तक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होने वाली है वेस्ट बंगाल के सोरले इलाके में, उस सम्मेलन को उस कॉन्फ्रेंस को सफल करने के लिए इस वक्त जो है इस्लामपुर की सड़कों पर जो है DYFI की ओर से एक बर्नाड शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें नवीन से लेकर प्रवीण पहले जो DYFI संगठन से जुड़े हुए थे वो लोग आज के इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ वर्तमान समय में जो DYFI संगठन से जुड़े हुए हैं सभी मिलकर जो है आज के इस बर्नाड शोभा यात्रा को सफल करने के लिए स्लोगन लगाते हुए, साथ ही साथ रेड वॉलंटियर्स की जो टीम है वह भी आज के इस जो शोभा यात्रा है इसमें हिस्सा लेती हुई। जोग्ते, 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 जोग्ते,
ডিওয়াইএফআইয়ের 11তম সম্মেলন রয়েছে আজ ইসলামপুর, যে ডিওয়াইএফআইয়ের সংগঠন রয়েছে সেই সংগঠনে কিন্তু রেড ভলেন্টিয়ার, সেই সঙ্গে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার যে আদিবাসী নৃত্য সঙ্গে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অভিনব পদ্ধতিতে কিন্তু তারা এই শোভাযাত্রা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে। ইসলামপুর যে নিউ টাউন রোড রয়েছে, সেই নিউ টাউন রোড এখানে কিন্তু আপনারা দেখছেন যে এখানে রেড ভলেন্টিয়ার যে রয়েছে তারা কিন্তু এখানে উপস্থিত, লাল গেঞ্জিতে তারা কিন্তু এখানে উপস্থিত। এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা কিন্তু এই নিউ টাউন রোড যে রয়েছে সেই রোডটি দিয়ে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে। ডিওয়াইএফআইয়ের 11তম সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষে বর্তমান ও প্রাক্তনদের সম্মিলিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা 7ই মে ডিওয়াইএফআই উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত হয়েছে। সেই আয়োজনে কিন্তু যোগ দিয়েছে দলে দলে ডিওয়াইএফআইয়ের কর্মীরা, সেই সঙ্গে কিন্তু রয়েছে এখানে তরুণ থেকে প্রবীণ সকলেই কিন্তু এখানে উপস্থিত রয়েছে। প্রাক্তন এবং নতুন সকল কর্মীদের নিয়ে কিন্তু তাদের এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বর্তমানে ইসলামপুর যে নিউ টাউন রোড রয়েছে সেই নিউ টাউন রোড দিয়ে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে। এখানে রেড ভলেন্টিয়ার শুরু করে কিন্তু ডিওয়াইএফআইয়ের বিভিন্ন কর্মীবৃন্দরা কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সকলে কিন্তু এখানে উপস্থিত হয়েছে এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাতে। ডিওয়াইএফআইয়ের 11তম কনভেনশন রয়েছে, সেই উপলক্ষে কিন্তু আজ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। আর সেই শোভাযাত্রায় ডিওয়াইএফআইয়ের কর্মীবৃন্দরা কিন্তু উপস্থিত, তারা কিন্তু সকলে এক আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে কিন্তু এই বর্ণাঢ্য র্যালিতে যোগ দিচ্ছে। দলে দলে কিন্তু তারা এখানে উপস্থিত হয়েছে এবং তারা কিন্তু সকলেই তাদের যে সংগঠনটি রয়েছে ডিওয়াইএফআই, সেই সংগঠনের তরফ থেকে তারা এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা কি ইসলামপুরের নিউ টাউন রোড দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। নতুনভাবে যুক্ত হওয়া সকল দর্শকদের আহ্বান জানিয়ে রেখে যে যে ডিওয়াইএফআই এর কর্মীবৃন্দরা কিন্তু তাদের সর্বভারতীয় কমিটি রয়েছে, সেই কমিটির পক্ষ থেকে কিন্তু উত্তর দিনাজপুর কমিটি এখানে ইসলামপুরে আজ 11তম অল ইন্ডিয়া যে কনফারেন্স সেই কনফারেন্সের জন্য কিন্তু উত্তর দিনাজপুর ডিওয়াইএফআই জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কিন্তু আজ ইসলামপুর যে নিউ টাউন রোড রয়েছে সেই নিউ টাউন রোড দিয়ে কিন্তু এক বর্ণাঢ্য র্যালি, এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। সেই শোভাযাত্রায় কিন্তু আমরা দেখতে পেলেন যে অভিনব এক পদ্ধতিতে কিন্তু তারা অভিনব সেজে যে আদিবাসী নৃত্য রয়েছে সেই আদিবাসী নৃত্যর মধ্য দিয়ে কিন্তু তারা এক সুন্দর বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করেছে। সেখানে কিন্তু রেড ভলেন্টিয়ারদের উপস্থিতি আমরা দেখতে পেরেছি, যা কিন্তু এই ডিওএফআই এর একটি অংশ। তারা কিন্তু রেড ভলেন্টিয়ারদের কিন্তু আমরা করোনা পরিস্থিতিতে বহুবার দেখেছি বিভিন্ন জায়গাতে তারা কিন্তু সক্রিয় ভাবে কাজ করেছে, তারা কিন্তু সমাজের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকার কাজ করে থাকে বিভিন্ন সময়ে। তারা তাদের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের সেবা এবং সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ তারা করে থাকে। রেড ভলেন্টিয়ারদের কিন্তু আমরা দেখতেছি যে তারা কিন্তু র্যালির প্রথমেই তারা রয়েছে, অগ্রভাগে তাদের লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কিন্তু এখানে বিপুল সমর্থনে, কর্মী সমর্থনে কিন্তু তারা কাছে আজ এই সর্বভারতীয় যে 11তম কনফারেন্স রয়েছে ডিওয়াইএফআই, তা কিন্তু তারা পালন করছে এক বর্ণাঢ্য র্যালির মধ্য দিয়ে। সেই বর্ণাঢ্য র্যালিটি কিন্তু এখন ইসলামপুর যে নিউ টাউন রোড রয়েছে সেই নিউ টাউন রোড দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দলে দলে লোক কিন্তু এখানে রয়েছে,
আমার সভাপতি রাজ সাহানি কিন্তু এরপর থেকে আপনাদের বলবেন এই এবং সম্প্রচার করবেন এই র্যালির বিভিন্ন অংশ। कुछ प्रवीण जो सदस्य हैं डीवाईएफआई के उनसे, उसके बाद वर्तमान जो सदस्य हैं उनसे भी हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन आपको बता दें, अगले 12 से 15 मई तक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होने वाली है पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक इलाके में, और उसी कॉन्फ्रेंस को सफल करने के लिए आज इस्लामपुर शहर में भरनाट्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यहाँ पर देख पा रहे हैं आज के इस शोभा यात्रा में वर्तमान जो डीवाईएफआई के सदस्य हैं, वर्तमान सदस्य से लेकर पुराने जो सदस्य हैं, सभी का मेलबंधन बना हुआ है, तथा सभी जो है इस वक्त इस्लामपुर शहर की सड़कों पर जो है इस वक्त जो है समर्थन दे रहे हैं। हम लोग बात करेंगे कुछ प्रवीण प्रवीण डीवाईएफआई सदस्य हिसाब से की कारण आज के आयोजन करें। डीवाईएफआई सर्वभारतीय सम्मेलन के केंद्र कर डीवाईएफआई गोटा राज्य जुड़े शोभायात्रार मध्य दिए आज के साधारण साधारण मानुषर का बार्ता पोछाते चाय बर्तमान केंद्र और राज्य जो सरकार चलते से दो सरकार ही हे जनबिरोधी एवं श्रमिक स्वार्थ बिरोधी बेकार बेकार युवक समस्या बिरोधी से ही कारण आज के प्राक्तन हिसाब से गर्व अनुभव करी बर्तमान डीवाईएफ नेतृत्व सठिक पदक्षेप नहीं तारा हे राज्य देश मानुषर मानुषर जो समस्या से जीवन जंत्रणार बिरुद्धे तारा लड़ाई सामिल होना प्राक्तन आज के तर मिचिले सामिल होत्साहित करते चाहिए ता जो पद धरे आज के लड़ाई সংগ্রামে সামিল হয়েছে তাতে নিশ্চিত ভাবে তারা যে দাবি নিয়ে লড়াই করছে সেই দাবি নিশ্চয়ই আগামী দিনে পূরণ হবে। সেই জন্য আমরা প্রাক্তনীরা বিশেষ করে 1969 সাল থেকে যারা যুব আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিল সেই সমস্ত প্রাক্তনী বর্তমান সহায়কালের প্রাক্তনীরা বর্তমান নেতৃত্ব বর্তমান যুব নেতৃত্বের আজকে যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছে এবং আমরা আরো গর্ব অনুভব করি এই যুব সমাজই পারবে এই আমাদের রাজ্যের এই যে অচল অবস্থা আমাদের দেশের যে ভয়ঙ্কর বিভাজনের রাজনীতি তাকে প্রতিহত করতে পারবে এবং সেই কারণে আমরা প্রাক্তনীরা মিছিলে সামিল হয়েছি। যেটা বতা রে স্বপন গুণেগি মহাশয় जो प्राक्तन सदस्य हैं डीवाईएफआई के आज के इस भरनाट्य जो शोभा यात्रा चल रही है इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और जो कुछ प्रवीण सदस्य हैं डीवाईएफआई के उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें अगले 12 से 15 मई तक कोलकाता के सॉल्ट लेक में जो है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और उसी कॉन्फ्रेंस को सफल करने के लिए इस वक्त पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्रांतों में डीवाईएफआई की ओर से विभिन्न तरह का जो है कर्मसूची लिया जा रहा है। हम लोग सीधे बात करेंगे प्रवीण सदस्य जो है विकास दास महाशय समय डीवाईएफआई संगठन से जुड़े हुए थे उनसे भी जाने की कारण आज की अपना रैली हम 12-15 मे কলকাতায় হচ্ছে ডিওয়াইএফআই সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এইটাই একমাত্র সংগঠন যে সংগঠনে 22 বছর আমি পতাকা বহন করেছি। আমি আজ প্রাক্তনী, কিন্তু এই সংগঠনের মূল যেটা দাবি যে সবার জন্য শিক্ষা এবং শিক্ষান্তের চাকরি। আমাদের দেশে যে সরকারটা আছে 2014 সালে এসেছিল, বছরে 2 কোটি বেকারের চাকরির কথা বলেছিল, 8 বছর হতে চললো 16 কোটি চাকরি হওয়ার কথা, কিন্তু আমরা দেখলাম প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে 2 বছরে 30 কোটি লোকের চাকরি হারিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে আজকে এই আন্দোলন প্রাসঙ্গিক, তারা এই স্লোগানে যখন মিছিলে হাঁটছে আমি একজন প্রাক্তন হিসাবে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছি। অনেক ধন্যবাদ। হম লোক আর কুছ সদস্য সে বাত করনে কি কুছ বিভিন্ন যে ইস্যু হ্যায় উন সব ইস্যু কো জো হ্যায় সামনে রখ কর জো হ্যায় ডিওয়াইএফআই সংগঠন হামেশা সে জো হ্যায় আওয়াজ উঠাতি রহি হ্যায় আর আগে কে দিনো মে কিস তরহ সে সংগঠন কো আর মজবুত করনা হ্যায় কিস তরহ সে স্ট্রং করনা হ্যায় উসি কো অধ্যক্ষ কে ওর সে জো হ্যায় অল ইন্ডিয়া কনফারেন্স কা আয়োজন কিয়া গয়া হ্যায় জো কি আগলে জো হ্যায় 12 সে 15 মে তক পশ্চিম বঙ্গাল কে সোনলে কি ইলাকে মে হোনে वाली है। यहाँ पर और एक सदस्य है फिरोज आलम साहब, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। किस कारण से आज ये रैली निकाल रहे हैं आप लोग? 12 से 15 तारीख तक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है डीवाईएफआई का, उसी के कामयाबी के लिए हम लोग ये आज मिसिल कर रहे हैं। यहाँ डीवाईएफ के तमाम नए और जो पुराने एक्स मेंबर्स हैं वो सब मिलके हम लोग ये आज मिसिल कर रहे हैं। पूरे देश में खासतौर पर बंगाल में हर जगह जो देख रहे हैं कि नौजवानों के हाथ से काम छिनता जा रहा है, तालीम हासिल करके लड़का बेकार पड़ा हुआ, कोई काम काज उन लोगों को नहीं मिल रहा है, वो उसकी
मांग है हम लोगों की कि लड़कों का जो नौकरी का जो सिस्टम खत्म होता जा रहा है, नौजवान लड़के की बेकारी बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ ये लड़ाई है, ये संग्राम है डीवाईएफ का। और पूरे देश में जो मैंने सांप्रदायिक दल जो उभरता जा रहा है, लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है, हिंदू मुसलमान का एक खेल खेला जा रहा है पूरे देश में, उसके खिलाफ ये युवाओं की ये लड़ाई है, ये संग्राम है। सम्मेलन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को कामयाबी के लिए आज का ये मिसिल है हम लोगों का। जैसा कि बता रहे हैं कि युवा संगठन जो होता है वह किसी भी संगठन का रीढ़ की हड्डी का काम करता है, और DYFI पुनः जो है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बूस्टअप होना चाहती है, पुनः जो है संगठन को और जो है उत्साहित करना चाहती है, एकजुट करना चाहती है, और आगे के दिनों में देश के साथ साथ राज्य की जो विभिन्न इशू है उन इशुओं को किस तरह से लड़ा जाए, इन सब बातों को लेकर जो है इस कॉन्फ्रेंस में आलोचना होगा। हम लोग और कुछ सदस्य से बात करेंगे, प्रवीण सदस्य से और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रवीण सदस्य जो है एक एक करके यहाँ पर जो है आज के इस जो बर्नाडो शोभा यात्रा है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग और कुछ जो प्रवीण सदस्य है उन लोगों से भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। रघुदा है यहाँ पर, एक समय काफी देर से जो है DYFI संगठन से जुड़े हुए थे और अच्छा रोल भी प्ले किए थे, रघुदा से हम लोग बात करेंगे। की कारण है आज के बर्नाडो शोभा यात्रा? आज के हमारे वर्तमान एवं प्रातनिधिर যা আছে DYFI এর সর্বভারতীয় যে সম্মেলন, সেই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে একটা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সল্ট লেকে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে 11-12-12-13 এই তিন দিনে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তার জন্য আমরা হচ্ছে এখানে প্রাক্তনীরা এবং বর্তমানে যারা আছে তাদেরকে নিয়ে শোভাযাত্রা। सभी जो है आज के इस जो बर्नाडा शोभा यात्रा है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग एक बार फिर से जो है पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर एक लंबा जो है शोभा यात्रा यहाँ पर निकाला गया है, रैली निकाला गया है। पुनः जो है हम लोग और जो वर्तमान सदस्य हैं DYFI के उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है सदस्य व्यस्त है, उनसे हम लोग पुनः जो है बात करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए न्यूज टुडे इंडिया के साथ, हर छोटी बड़ी खबर न्यूज अपडेट जानने के लिए आप लोग जुड़े रहिए न्यूज चुनाव के साथ। मेरे सहप्रतिनिधि सौमिक लश्कर के साथ मैं राजधानी इस्लामपुर से।